हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई पर मन लगाकर गर्दा उड़ा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग टॉप जीके जीएस कर लेते हैं। ओके, जो सिर्फ चपरासी को छोड़कर बाकी दुनिया का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जीके जीएस का इम्पोर्टेंट अपना रोल ना हो। ओके, जीके जीएस के बिना देखिए एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। जीके जीएस पर आप कमांड करेंगे तो मैथ छूट जाता है, मैथ पर करते हैं तो जीके जीएस। इसलिए कॉम्बिनेशन के तहत आपको लेकर चलना है ताकि आपका जीके जीएस भी ठीक हो, मैथ भी ठीक हो और सब ठीक हो जाए। ओके, तो हम लोग टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ SSC ही नहीं, बिहार सिविल कोर्ट ही नहीं, BPSC ही नहीं, दरोगा नहीं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और टॉप लेवल का है दोस्तों। ओके, मेरा सेल्फ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जाकर देख लीजिए, स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट किए बिना हम लेकर आए हैं टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका क्या, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था। ऑप्शन आपके सामने है, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, मुअज्जम। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था दोस्तों, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मुअज्जम। ओके, फर्रुखसियर को क्या बोलते हैं, घृणित कायर, घृणित कायर इसको बोलते हैं दोस्तों। ओके, घृणित कायर याद रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर देते हैं। चलिए देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है दूसरा नंबर आपका, कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसने की, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसने की दोस्तों, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसने की। चलिए देख लीजिए लोग, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसने की दोस्तों, तो ये किया था हेरोडोटस ने। ओके, टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, और ये परिक्रमा करती है किसका, सूर्य की। चलिए अगला देखिए, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में खुला था। भारत का कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर पहला एम्स खुला गया था दोस्तों, तो क्या बोलिएगा, दिल्ली बोलिएगा। ओके, क्या बोलेंगे आप लोग, दिल्ली बोलिएगा। अगला देखिए, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। ये देखिए SSC का एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, और 2016 दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, चलिए बताइए, बहुत ईजी है दोस्तों, किसने किया था ये, तो ये अलीवर्दी खान ने किया था दोस्तों, किसने किया था अलीवर्दी खान ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, इसमें बताना है कौन से कालक्रम के अनुसार सही है, कमेंट कीजिए लोग, कौन से कालक्रम के अनुसार सही है, कालक्रम के अनुसार बताना है। तो पहले इसमें से नामदेव चेतनई, ये नहीं होगा, रामानुजन पहले थे, बिल्कुल सही, उसके बाद नामदेव, चैतन्य और तुलसी, तो इनका कॉम्बिनेशन सही है कालक्रम। ये पहले रामानुजन साहब, नामदेव, चैतन्य और तुलसी, इनका कालक्रम क्या है दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष ही नहीं बना, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष ही नहीं बना निम्न में से कौन
कांग्रेस का कभी अध्यक्ष ही नहीं बना। ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बताइए किसने नहीं बना, किसने? कांग्रेस का तो सपोर्ट किया था लेकिन वो बेचारे बने नहीं। चलिए आप हिंट दे दिए, बता सकते हैं आप लोग क्या राइट आंसर होगा, बताइए। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया लेकिन बेचारे वो इस दुनिया से चले गए 1 अगस्त 1920, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसी दिन वो बेचारे प्यारे हो गए, ठीक है। वो कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी AICS अधिकारी थे, इनको घुड़सवारी परीक्षा से फेल करवा दिया गया जानबूझकर। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इंडियन सिविल सर्वेंट का क्या किया था, स्थापना किया था। कब किया था? 1905 में किया था, बनारस में, बनारस का अधिवेशन भाग भी लिया था। महात्मा गांधी, आपको पता है कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था कर्नाटक के बेलगांव में, ओके। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार कब आया? मार्ले मिंटो सुधार कब आया दोस्तों? आपको पता है ऑप्शन है 1906 1910 1909, इसमें से क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार आया था दोस्तों आपका 1919 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था। और देखिए 1919 में ही क्या आया था? रॉलेट एक्ट भी आया था, रॉलेट एक्ट भी आया था, जिसे काला कानून भी बोलते हैं, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड भी हुआ था दोस्तों, ओके। एक ऐसा काला कानून था 1919 में जिसे शक के निगरानी पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था, बंदी बनाया जा सकता था। तब गांधी जी ने बोला कि ये तो सरासर गलत है। तब इसके विरोध में सत्यपाल और किरचुप को क्या किया गया था? अंग्रेजों ने पहले वो गिरफ्तार कर लिया था, पंजाब के डॉक्टर थे वो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विद्यानंद सागर, शिव नारायण, ओके। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विद्यानंद सागर और शिव नारायण। इसमें से क्या होगा, किसके मतलब जो हटाया गया किसके सहयोग से, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए लो, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो ये दोस्तों होगा आपका राजा राम मोहन राय के सहायता से। इन्होंने विलियम बेंटी के मदद से क्या किया था इसका 1829 में सत्य प्रथा का अंत कर दिया गया, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राजा राम मोहन राय। उसके बाद है मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है 1613 1616 1615 1611। क्या होगा इसमें से राइट आंसर? तो देखिए आप याद कीजिए, मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुआ था, समझौता हुआ था, वो हुआ था 1615 ईस्वी में, ओके, 1615 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था दोस्तों, बताइए, कमेंट कीजिए। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ऑप्शन है अंबेर, कासगढ़, चुनार, मकराना। अब आप लोग पकड़ लिए होंगे, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था दोस्तों, कहाँ से लाया गया था? आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल का जो पत्थर था ये चुनार से लाया गया था दोस्तों। कहाँ से लाया गया था? चुनार से लाया गया था, ठीक है। ताजमहल को बनवाया था किसने, किसने बनाया था, कमेंट कीजिएगा, ओके। उसके बाद है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना, अच्छा सबसे पहले बताइए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर कब हुआ था? 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस का स्थापना के समय पूछ रहे भारत का वायसराय, तो क्या हो जाएगा, डॉफरिन था, ओके, डॉफरिन था उस समय वायसराय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्या है दोस्तों, कि अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? ऑप्शन है मीर कासिम तथा मोहम्मद शाह, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव तथा मीर जफर, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। बताइए अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे से था?
अलीगढ़ का संधि का संबंध किससे था बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, अलीगढ़ का संबंध किससे था बताइए। तो दोस्तों आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था समझौता, अलीगढ़ को लेकर हुआ था। ओके याद रखिएगा। यज्ञ की देखरेख कौन करता है, यज्ञ की देखरेख कौन करता है, ऑप्शन है होता, उद्गता, ब्राह्मा, उधारियु। ठीक है, ये दरोगा का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए यज्ञ की देखरेख कौन करता है, यज्ञ की देखरेख कौन करता है, कमेंट कीजिए। तो यज्ञ की देखरेख कौन करता है, यज्ञ की देखरेख कौन करता है, तो आपको भी पता है भाई ब्रह्मा जी करते हैं। ओके यज्ञ की देखरेख कौन करता है, ब्रह्मा। सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था, आपको बहुत ही महान अकबर बोला जाता है। क्यों, अब पकड़ लिया आंसर, चूंकि सुलह अकबर अकबर साहब ने कराया था, सुलह एक कुल किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। सिलेक्टेड क्वेश्चन है यह सब प्रीवियस ईयर का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था। ऑप्शन है इरिट्रिया, मोरक्को, सीमा सोमालीलैंड, सोमालीलैंड, अबेनिसिया। बताइए इटली ने आक्रमण कर किसको जीता था, इटली ने आक्रमण कर किसको जीता था बताइए, कमेंट कीजिए। इटली ने आक्रमण कर किसको जीता था दोस्तों, किसको जीता था, किसको जीता था, तो आपको भी पता है दोस्तों मोरक्को को जीता था। ओके इटली ने जब आक्रमण किया मोरक्को पर तो उसको बुरी तरह पराजित किया और मोरक्को का जितना साम्राज्य था वो अपने नाम कर लिया, अपने अधीन कर लिया उसकी साम्राज्य को। उसके बाद है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है बताइए, रुद्रदामन से कौन सा संबंधित अभिलेख है। ऑप्शन है गिरनार अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख या प्रयाग अभिलेख। रुद्रदामन का अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन का अभिलेख जो है दोस्तों ये जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है, रुद्रदामन का अभिलेख जो है वो जूनागढ़ से संबंधित है, किससे है, ये जूनागढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, मंगल पांडे का संबंध किस इनफैक्ट्री से था, मंगल पांडे का संबंध किस इनफैक्ट्री से था, वो किससे संबंधित है, तो बहुत ईजी है दोस्तों, ये सभी को पता होगा, हमको लग रहा है इसमें कुछ करना ही नहीं है, सभी लोग आसानी से बना सकते हैं। 34वीं इनफील्ड राइफल था दोस्तों, याद आ गया क्या, 34वीं इनफील्ड राइट था। ठीक है, मंगल पांडे का संबंध किससे था, 34वीं इनफील्ड राइफल। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ, तो दोस्तों ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, याद हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्या है दोस्तों, कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, CR10 या भगत सिंह। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व के साथ था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, CR10, भगत सिंह। क्या राइट आंसर होगा, स्वराज पार्टी का संबंध पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना, बाल गंगाधर तिलक मत मार दीजिएगा, उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लेकिन यहाँ स्वराज पार्टी पूछ रहा है, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, तो इसमें ऑप्शन में चित्तरंजन दास साहब हैं, इसलिए राइट आंसर चित्तरंजन दास हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, रामजे वेलेजली। क्या राइट आंसर होगा बताइए, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, इतिहास में किसे माना जाता है दोस्तों, किसे माना जाता है, तो सांप्रदायिक जो आपको पता नहीं है क्या, 1919 में आया था पृथक निर्वाचन। ओके उस लॉर्ड मिंटो जिन्हें लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोलते हैं, ओके लॉर्ड मिंटो का जनक माना जाता है, उन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचन शुरुआत किया था। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ओके निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए तो कौन सुमेलित नहीं है, भारत परिषद अधिनियम 1892,
प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, उसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार 1909 केंद्र में ध्वज शासन, उसके बाद है मॉन्टेगू चेम्सफेल्ड सुधार 1919। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? सुमेलित नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो भारत परिषद अधिनियम आपको पता है 1892 में नहीं हुआ था, वह गलत है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 सही है। केंद्र में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया, मॉन्टेगू चेम्सफेल्ड सुधार 1919 में किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आपका ये नंबर जो है ये सही नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये टॉप लेवल का हमारा क्वेश्चन था, और हम लोग यही इसको क्या करते हैं। अच्छा बताइए, साहू जी महाराज कौन थे? साहू जी महाराज कौन थे, कमेंट कीजिए लोग। साहू जी महाराज कौन थे? साहू जी महाराज कौन थे? शिवाजी के पोता थे। साहू जी महाराज कौन थे? शिवाजी के पोता थे, ठीक ना। चलिए अच्छा बताइए, अभी एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि उपाधियों का अंत दरोगा में पूछा गया है, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? उपाधियों का अंत कमेंट कीजिए, तो उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में किया गया है? उपाधियों का अंत कौन से? तो दोस्तों ये आर्टिकल 18 में है। अच्छा चौरी चौरा कांड हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड? कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ओके, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अच्छा ये बताइए, कोलकाता विभाजन कब रद्द किया गया? उसमें बोला गया था क्या कि दिल्ली हमारी राजधानी होगी, ठीक ना, नई राजधानी दिल्ली को बोला गया था। कब ये रद्द कर दिया गया? कब रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया था। ओके, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ओके अगला बताइए, और बताइए कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का कम्बिनेशन हुआ, मतलब मेल मिलाप हुआ? कौन से अधिवेशन में मेल मिलाप हो गया? 1916 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1916 में हुआ था। आज हम लोग क्लास यहीं बंद करते हैं दोस्तों, कुछ हमको काम है, ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी, और सेशन को देखते हुए हम लोग करेंगे, सभी विषय को करेंगे। मैंने GK GS आप लोगों से प्रॉमिस किया, सिलेक्टेड क्वेश्चन वो भी करवाएंगे, ठीक है, सब होगा, बस आप पेशेंस रखिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए, ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और चैनल पर नए होंगे तो आप जुड़िएगा। कल के कौन टॉपर थे? शुरुआत में कौन टॉपर किया था? राकेश था, सोनम सिंह थे, और कल और कौन कौन टॉप किया था, कौन टॉप किया था देखिए ना, उनका नाम बोल दें, कल का टॉपर कौन कौन था? एमडी सिराज टॉप किया था कल। अच्छा ठीक है, लिस्ट बना लीजिए, जो जो टॉप किया था ना उसका, चार पांच को जो भी है लिस्ट बना लीजिए और उसका नाम रख दीजिए, ठीक है। क्विज करता है लोग, जो लोग क्विज से जुड़ेंगे, स्टैंड BPSC यूट्यूब ये ग्रुप हो गया, जिस पर टेलीग्राम का वीडियो का प्रत्येक वीडियो का आपको आधे घंटे पहले लिंक मिलेगा, और अगर आप क्विज करना चाहते हैं तो आप उस क्विज के माध्यम से आप अपनी त्रुटियों को कम कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। स्टैंड BPSC क्विज टाइप कीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़िएगा और वहाँ क्विज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए।